शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक, भोपाल से बड़ी खबर। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के स्वीकृत अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति पर चर्चा। वहीं दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति पर चर्चा। मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर में सुरक्षा संचालन केंद्र SOC की स्थापना का प्रस्ताव। आर्बिट्रेशन केंद्र जबलपुर में कई कैडर में पदों की मंजूरी का प्रस्ताव। वहीं भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में भी चर्चा। भोपाल से खबर, आपको बता दें भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में चर्चा। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कौन कौन से एजेंडे, कौन कौन से महत्वपूर्ण आज एजेंडे जिस पर चर्चा प्रस्तावित, और कितने बजे बैठक आयोजित? देखिए, सुबह 11:30 बजे जो है शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहें तो भोपाल में PG सीटें बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और खासतौर पर मेडिकल्स के छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्वालियर का जो मेडिकल कॉलेज कैंपस है, उसमें 100 बिस्तरों के नए अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति की बात हो रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो ये है कि SC ST OBC वर्गों के जो निःशक्त जन है, उनकी बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की भर्ती प्रक्रिया भी होगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालयों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कई सारे बड़े प्रस्ताव के साथ शिवराज कैबिनेट की बैठक सुबह 11:30 बजे होने वाली है। तो सुबह 11:30 बजे का वक्त होगा जब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के स्वीकृत जो अस्थायी पद है उनके स्वीकृति को लेकर चर्चा संभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर में सुरक्षा संचालन केंद्र SOC को लेकर चर्चा प्रस्तावित है। और आर्बिट्रेशन केंद्र जबलपुर में कई कैडर में पदों की मंजूरी का प्रस्ताव। गरियाबंद से